गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब घर पर ठीक होंगे। आप सबको बहुत मिस करते हैं, आप भी शायद हमें मिस करते होंगे। ओके, नाउ आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू रीड योर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर एक्सरसाइज 1.4 इज एस्टिमेशंस एंड अप्रोक्सीमेशंस। इससे पहले हमने असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर समझा, कंपेयरिंग ऑफ लार्ज नंबर समझा। अब नेक्स्ट टॉपिक, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं आपकी 1.4, विच इज़ योर फर्स्ट टॉपिक इज ऑफ दिस एक्सरसाइज एस्टिमेशंस एंड अप्रोक्सीमेशंस। एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशंस क्या होते हैं, उनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके क्वेश्चंस किस तरीके से फॉर्मेट होते हैं, उनको आज हम समझेंगे। तो लिसन केयरफुल, ओके, एंड वॉच केयरफुल। आई होप आपको इंटरेस्ट आता होगा। आप सभी इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द योर टॉपिक एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। तो एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन क्या होते हैं? एस्टिमेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट एंड ऑन अप्रोक्सीमेशंस आंसर टू एन ऑपरेशंस। मीन्स जनरली आप अप्रोक्सीमेशन या एस्टिमेशंस को किसी भी जो आपके पास ऑपरेशन है उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू समझ सकते हैं। मीन्स लगभग इतनी वैल्यू, उसकी लगभग वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एस्टिमेशन या फिर अप्रोक्सीमेशन। मीन्स दैट मीन्स जैसे आप शॉप पर जाते हैं, कुछ ख़रीदने जाते हैं, तो जैसे आपने 78 रुपीस की कुछ भी चीज़ ख़रीदी तो वो राउंड ऑफ फिगर में आपको 80 रुपीस ही देने पड़ते हैं, वो 2 रुपीस आपको रिटर्न नहीं करता, तो वो कहलाता है अप्रोक्सीमेशन। दैट मीन्स 78 रुपीज़ की आई थी बट उसको राउंड ऑफ करके आपको क्या देने पड़े, 80 रुपीज़, तो वो आपको रिटर्न नहीं करता। तो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू वो कहलाती है कि किसी भी ऑपरेशंस की लगभग वैल्यू, उसके आसपास की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो एस्टिमेशन ये कहलाता है। द एस्टिमेशंस ऑफ नंबर इज ऑल्सो नोन एज द राउंडिंग ऑफ नंबर्स। एस्टिमेशंस ऑफ नंबर्स को हम राउंडिंग ऑफ नंबर्स के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि हमने रोमन न्यूमरल्स वगैरह में पढ़ाया राउंड ऑफ फिगर्स करके। राउंड ऑफ फिगर्स करने का मतलब होता है किसी भी नंबर को अप्रोक्सीमेट वैल्यू में कन्वर्ट करना। जैसे 197 है तो 197 को आप अप्रोक्सीमेट कि लगभग हमें 200 रुपये देने हैं। जैसे आपको किसी को उधार देने हैं या किसी के पैसे रिटर्न करने हैं या किसी से लेने हैं, तो आपके 198 रुपीज़ हो रहे हैं, तो आप कहेंगे लगभग मुझे 200 रुपीज़ उसको देने हैं। तो हम लगभग वैल्यू, डेली रूटीन लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जिनको कि हम एस्टिमेशन से और अप्रोक्सीमेशन से समझते हैं। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, राउंडिंग ऑफ नंबर्स भी कहते हैं। नाउ हियर इन दिस टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक इज राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। अब हमने ये समझा कि जो अप्रोक्सीमेशन और एस्टिमेशन है उनको राउंडिंग ऑफ नंबर्स भी कहते हैं। तो अब हम ये समझेंगे कि जो नंबर्स हैं उनको नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू द नियरेस्ट 10 समझना स्टार्ट करते हैं कि नियरेस्ट 10 में आप किस तरीके से नंबर्स को राउंड ऑफ करके लिखेंगे। ओके, तो नाउ फर्स्ट स्टेप इज, पहले हम इसके कुछ स्टेप समझते हैं कि इनको किस स्टेप्स के थ्रू लिखा जाता है। जब आप नियरेस्ट 10 में किसी भी नंबर्स को राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो उनके लिए हमें क्या स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेंगी, वो यहाँ पर लिखी हुई है। सो कॉन्सेंट्रेट इन दिस टॉपिक। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द स्टेप फर्स्ट। इन द गिवन नंबर एग्जामाइन द डिजिट्स एट वंस प्लेस। सबसे पहले आप जो आपको नंबर दिया गया है उसकी वंस डिजिट को चेक करेंगे कि वंस डिजिट क्या है। ओके, सेकंड स्टेप, इफ द डिजिट एट वंस प्लेस इज लेस देन 5, दैट इज 0, 1, 2, 3 और 4,
रिप्लेस इट बाय ज़ीरो एंड रेस्ट ऑफ द डिजिट्स रिमेन अनचेंज्ड। दैट मीन्स सेकेंड में स्टेप्स में हमें क्या करना है, जब आप वंस डिजिट को चेक कर लेंगे तो वंस डिजिट चेक करने के बाद आपको ये देखना है कि जो वंस डिजिट है वो 5 से छोटी है। 5 से छोटी मीन्स 1, 0, 1, 2, 3, 4। तो 5 से छोटी है अगर वंस डिजिट, मीन्स जैसे ये लिखी हुई है तो इसकी वंस डिजिट ये है, तो वंस डिजिट 5 या 5 से छोटी होनी चाहिए। तो 5 से छोटी मीन्स दैट मीन्स 0, 1, 2, 3 और 4। तो उसको आप किससे रिप्लेस करेंगे, जब भी आप नियरेस्ट 10 में वैल्यू लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप वंस डिजिट की वैल्यू को चेक करेंगे। वंस डिजिट अगर 5 से लेस देन होती है दैट मीन्स 0, 1, 2, 3, 4, अगर ये डिजिट होती है वंस डिजिट वंस प्लेसेस पे, तो आप क्या करेंगे, जो वंस डिजिट है वो 0 से रिप्लेस हो जाएगी और जो बाकी की डिजिट है उसके पीछे की वो नॉट चेंज नहीं होंगी। वो ही लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए, इफ़ द डिजिट एट वंस प्लेस इज लेस देन 5 दैट इज 0, 1, 2, 3 और 4, रिप्लेस इट बाय 0 एंड रेस्ट ऑफ द डिजिट्स रिमेन अनचेंज्ड। मतलब जो बाकी की डिजिट बचेंगी वो क्या रहेंगी, अनचेंज्ड रहेंगी। नाउ स्टेप थर्ड, इफ द डिजिट एट वंस प्लेस इज 5 और ग्रेटर देन 5 दैट इज 5, 6, 7, 8 और 9, रिप्लेस इट बाय 0 एंड एड द 1 टू द डिजिट एट 10th प्लेस। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वंस प्लेस की डिजिट को चेक करेंगे, अगर वंस डिजिट की वंस प्लेसेस की डिजिट 5 से ग्रेटर होती है, 5 या 5 से ग्रेटर दैट मीन्स 5, 6, 7, 8, 9 ये होती है, तो हम क्या करेंगे, जो वंस डिजिट वंस प्लेसेस की डिजिट है उसे 0 से रिप्लेस करेंगे, बट जो 10th प्लेस की डिजिट है उसमें 1 कैरी करेंगे। क्या कहा कि अगर वंस प्लेसेस की डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा हो, मीन्स 5, 6, 7, 8, 9 ये हो, तो आप क्या करेंगे, वंस डिजिट को 0 से रिप्लेस करेंगे, बट क्योंकि 5 से ज़्यादा है तो वंस डिजिट की जो वंस प्लेस की डिजिट है वो तो 0 से रिप्लेस होगी, बट जो रिमेन डिजिट है 10th प्लेस की डिजिट है वहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। वी अंडरस्टैंड दिस टॉपिक बाय सम क्वेश्चंस, हम इन इस स्टेप्स को कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। नाउ यस, नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। हमने क्वेश्चंस लिए हैं कुछ 89, 173, 295, 7,626 एंड 983। आपको इन दिए गए नंबर्स को नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करके लिखना है। दैट मीन्स नियरेस्ट 10 में अभी हमने जो स्टेप्स लिखी वो स्टेप्स किस तरीके से फॉलो करते हैं, अब हम इन क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया 89, ओके, 89 में वंस प्लेस की डिजिट क्या है, 9, तो 9 5 से ज़्यादा है, हमने थर्ड स्टेप, तो थर्ड स्टेप फॉलो होगी, लिखा है अगर 9 वंस डिजिट 5 से ज़्यादा होती है तो जो वंस डिजिट है वो तो 0 से रिप्लेस होगी, लेकिन जो 10th डिजिट है उसमें 1 कैरी हो जाएगा, दैट मीन्स ये तो 0 से रिप्लेस हो गई, क्योंकि क्या है, 9 5 से ग्रेटर डिजिट है, तो ये 9 से ज़्यादा है इसलिए क्या हो जाएगी, यहाँ पर रिप्लेस बाय 0 बट एडिंग ऑफ 10th प्लेस डिजिट, लेकिन 8 में क्या हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 कैरी किया तो क्या हो गया, 90, ओके। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, ये इसका आंसर हो गया, बहुत इजी है, बहुत ध्यान से समझेंगे सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और बहुत इंटरेस्ट भी आएगा इन क्वेश्चंस में, ओके। 173, इसमें वंस डिजिट देखेंगे 3 है, 5 से कम है, जब भी 5 से कम होती है तो वंस डिजिट 0 होती है बट रिमेन डिजिट्स अनचेंज्ड, बाकी की डिजिट चेंज नहीं होती, तो 17 एजिटीज आ जाएगा, लेकिन 5 क्या थी, 3 क्या थी, 5 से छोटी थी, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, 0, ओके। तो ये सेकेंड का आंसर हो गया, इसमें हमने ऐड नहीं किया क्योंकि जो वंस प्लेस की डिजिट है वो 5 से कम है, 5 से कम होने पर सिर्फ वंस डिजिट की वंस डिजिट को हम 0 से रिप्लेस करते हैं, बट जो रिमेनिंग डिजिट्स होती हैं वो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता, तो
तो 17 एज इट इज़ लिख दिया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर थर्ड 295, अब हियर वंस प्लेस इज 5 है तो 5 होते के साथ ही क्या लिखेंगे, वंस प्लेस की डिजिट को 0 से रिप्लेस किया, लेकिन 5 है तो एक कैरी हो जाएगा, यहाँ पर एक कैरी होगा, तो कैरी होगा तो यहाँ पे 10 बनेगा, तो 10 का 0 और कैरिंग 1 यहाँ पर लग जाएगा, तो ये कितना हो गया 300। तो 295 की राउंड ऑफ में नियरेस्ट 10 में वैल्यू आप क्या लिखेंगे, 300। ये सभी वैल्यू हम नियरेस्ट 10 में लिखना सीख रहे हैं, हमारा टॉपिक है नियरेस्ट 10, राउंड ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। तो नियरेस्ट 10 में हम वैल्यू लिखना सीख रहे हैं। तो हमने क्या कहा, 5 वंस प्लेस पर जो 5 डिजिट थी वो 5 थी, इसलिए इसको हमने 0 से रिप्लेस कर दिया, पर 5 होने के कारण 10th प्लेस में 1 कैरी होगा, और 1 कैरी होगा तो यहाँ पे 9 था, तो 9 कितना हो गया 10, तो 10 का 0 और एक कैरी यहाँ पर लगेगा, तो 2 का क्या हो गया 3। तो 295 की राउंड ऑफ में नियरेस्ट 10 में वैल्यू क्या आ गई, 300। फोर्थ क्वेश्चन 7626। अब वंस डिजिट अगेंस्ट ग्रेटर देन 5, 5 से ज़्यादा है, तो 5 से ज़्यादा होते ही वंस डिजिट को रिप्लेस किया 0 से, लेकिन एक क्या होगा ऐड होगा, तो 2 की जगह क्या आ जाएगा 3, 10th प्लेस में एक ऐड हो जाएगा, बाकी डिजिट सेम। ओके, तो 7626 की नियरेस्ट 10 में वैल्यू क्या आएगी, 7630। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन 983 में जो वंस डिजिट है वो लेस देन 5 है, अब लेस देन 5 होते के साथ ही वंस डिजिट इज रिप्लेस बाय 0, बट रिमेन डिजिट नॉट अ चेंज। ओके, जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं वो चेंज नहीं होंगी, तो 3 इज रिप्लेस बाय 0 एंड 98 विल बी सेम। ओके, तो 983 की नियरेस्ट 10 में वैल्यू क्या हुई, 980। आई होप आपको नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट किस तरीके से करते हैं ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें कन्वर्ट करना है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, एस्टिमेट द फॉलोइंग सम्स टू द नियरेस्ट 10 एंड वेरीफाई इट बाय द एक्चुअल एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, यहाँ पर आपको जो ये सम्स दिए हुए हैं ये डिफरेंस का है और ये एडिशन का है, इनको आपको नियरेस्ट 10 के लिए सॉल्व करना है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि जो इसका एक्चुअल सम है जो कि हम नॉर्मली सिंपलीफाई करते हैं, एडिशन की जगह एडिशन, माइनस की जगह माइनस, तो वो हम सिंपली करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, और जब आप नियरेस्ट 10 में इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, वो डिफरेंस पूछा है। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर ए, 48+73। तो आप दोनों क्वेश्चंस में यही लाइन लिखेंगे, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10। इस क्वेश्चंस में भी फर्स्ट लाइन यही लिखेंगे और इस क्वेश्चन में भी फर्स्ट लाइन यही लिखेंगे, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10। दोनों में फर्स्ट लाइन ये लिखनी है जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करना सीखते हैं, अभी समझा है हमने। 48 को अगर आप नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 8 इज़ ग्रेटर देन 5, सो वंस प्लेस इज रिप्लेस बाय 0, बट एड द 10th प्लेस डिजिट, एड वन द 10th प्लेस डिजिट। 8 क्या है, 5 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर 0 से रिप्लेस हो गया, बट ज़्यादा है इसलिए 10th प्लेस में एक कैरी होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। तो 48 की नियरेस्ट 10 में वैल्यू क्या आई, 50। अगेन 73 में वंस प्लेस की डिजिट 5 से छोटी है, 5 से छोटी है तो यहाँ पर 0 से रिप्लेस कर दिया, बट रिमेनिंग डिजिट नॉट चेंज, कोई भी चेंजेस नहीं होगा, तो 7 का 7, तो 73 की नियरेस्ट 10 में वैल्यू क्या आई, 70। नाउ एस्टिमेटेड द सम, इन दोनों का एस्टिमेटेड सम करेंगे तो 50+70, क्योंकि यहाँ पे प्लस करना है दोनों का, इसका नियरेस्ट 10 में वैल्यू निकाली, इसकी नियरेस्ट 10 में वैल्यू निकाली, और इन दोनों को क्या करना है प्लस, तो ये प्लस कर दिया तो 120 आया। बट उसने आपसे ये भी पूछा है कि जो एक्चुअल सम है वो क्या होगा, दोनों में कंपेयर करके बताइए। तो एक्चुअल सम निकाल रहे हैं तो 48+73 को जैसे आप जोड़ते हैं सिंपली वैसे ऐड कर दें, तो इस 48+73 को ऐड करेंगे तो क्या आया 121। तो आप देखेंगे कि हल्का सा डिफरेंस आता है, जो नियरेस्ट 10 में या अप्रोक्सीमेशन जो वैल्यू निकालते हैं हम और जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसमें बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस आता है, तो ये ही क्या कहलाता है, एस्टिमेशन या फिर अप्रोक्सीमेशंस।
क्योंकि थोड़ा सा चेंजेस आना, लगभग वैल्यू हम उसकी निकालते हैं। तो ये आया सिमिलरली क्वेश्चन नंबर बी 245 माइनस 67, इसमें से आपको ये लेस करना है। तो फर्स्ट लाइन हम ये लिखेंगे अगेन राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10, ओके 245 को चेंज किया, हियर वंस प्लेस इज 5, सो रिप्लेस बाय 0 बट एडिंग ऑफ 1 इज टेंस प्लेस, ओके। तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा लेकिन इसमें क्या होगा, 1 ऐड हो जाएगा, तो 250 इज द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 245, ओके। नियरेस्ट 10 में 245 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 250। अगेन 67, 7 अगेन इज ग्रेटर देन 5, सो रिप्लेस बाय 0 एंड एडिंग ऑफ 1 इज टेंस प्लेस डिजिट, 7 0 से रिप्लेस हो गया और यहाँ पर 5 से ज़्यादा था इसलिए 1 इसमें क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो 6 का क्या हो गया, 7, तो 67 की नियरेस्ट वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 70, ओके। नियरेस्ट 10 में 67 की जो वैल्यू है वो क्या है, 70। तो एस्टिमेटेड डिफरेंस, हियर एस्टिमेटेड डिफरेंस, डिफरेंस पूछा है, माइनस का साइन है, तो जो इनकी नियरेस्ट 10 में वैल्यू आपने निकाली उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर क्या है, 180। नाउ एक्चुअल डिफरेंस, एक्चुअल डिफरेंस मीन्स सिंपली आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंपली सब्ट्रैक्ट करने पर आपका आंसर आया 178, जो कि इसके लगभग बिल्कुल करीब है, ओके। तो दोनों वैल्यू क्या होती हैं, सिमिलरली अप्रोक्सीमेट, लगभग बराबर होती हैं। तो एस्टिमेशन यही है कि किसी भी जो आपको ऑपरेशन दिया हुआ है उसके आंसर की लगभग वैल्यू देना, अप्रोक्सीमेशन या फिर एस्टिमेशंस कहलाता है, उसको हम राउंड ऑफ नंबर्स भी कहते हैं। आज हमने राउंड ऑफ नंबर्स में नियरेस्ट 10 की वैल्यू निकालना सीखा कि नियरेस्ट 10 में आप राउंड ऑफ नंबर्स, जो दिए गए नंबर है उसको राउंड ऑफ किस तरीके से करेंगे, ओके। सो आई होप आपको आज समझ में आया होगा कि नियरेस्ट 10 हम वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ये आप स्टेप्स ध्यान रखें और आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, अपनी इच्छा से एग्जांपल लें और उसकी प्रैक्टिस करें, नियरेस्ट 10 में उसकी वैल्यू निकालें, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और इंटरेस्ट भी आएगा। आप जितने अच्छे से खुश होकर मैथ्स पढ़ेंगे आपको उतना अच्छा इंटरेस्ट आएगा, ओके। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सो टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।